तब पेट के चूहे शांत करने के लिए 50 का नोट देके हम आए पड़ाके खाने। महल बने महल पहाड़ अच्छे लग रहे हैं। घाम पड़ रही है, घाम में भी लोगों को चैन नहीं है। तो जा रहा है कमरा पे, बंद रहा है निप्पन छील अल्लाह की। अब जा मैं पैक कर लिया फोन को ऑर्डर रहा होगा। राजस्थानी लोग हमें तो बड़े भैया पसंद आ रहे हैं, पहनावे को आया तो कुत्ता पीछे बच गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भैया सुबह सुबह हो गए तैयार, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हमारा पूरी फैमिली जितने भी घर में लोग हैं सब जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान। पहली बार जा रहे हैं हम, तो थोड़े से खुश भी हैं और पहली बार इतनी दूर की सफ़र करेंगे। तो हमारे यहाँ सुबह सुबह सेलमैन भैया आ गए हैं दुकान पे सामान देने पड़ोस में, तो हमारी गाड़ी आ चुकी है, इसमें बैठेंगे। दोस्तों सवेरे के निकले 9 बजे से, 11:30 बज चुके हैं, अभी आगरा आ पाए। तो गाड़ी खड़ी है, भैया गए लग दवाई लेने। इतने मेडिकल है राजा मेडिकल, पापा पानी भर के ला रहे हैं डिब्बा बोतल में, क्योंकि घर से एक ही बोतल भर के लाए थे। रास्ता में इतनी प्यास लगा था किसी कहे कि नहीं, एक बोतल घर है घर ही सो रहा है। भाई साहब देख रहे हो कितनी घाम पड़ रही है, घाम में भी लोगों को चैन नहीं है। बिना वजह भैया को घाम में वजह था तो जा रहा है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अगर हमारी प्रोफाइल पर नए हो तो आईडी को फॉलो कर लें, यू करके मेरी गीत पसंद आए तो मुझे फॉलो कर लें। सब तुम राजस्थान में पहुंच चुके हैं, सब राजस्थान का नजारा है। देखो कितने अच्छे अच्छे घर बने राजस्थान में, महल बने महल पहाड़ अच्छे लग रहे हैं। क्यों भाई हम पे शक्ल जा सुन दिखा रहे हैं, क्योंकि तो ब्लैक व्लैक मार रही था वैसे। ऐसा यहाँ के फूल देख रहा, कितने अच्छे फूल लग रहा रोडन पे। पहाड़ में तो पहली बार ना दूसरी बार देख रहे हैं। बाकी पहाड़ी लग रहा बहुत अच्छा। हमारी मम्मी पहली बार पहाड़ देख रही है तो बड़ी खुशी है रही देख। भाई साहब पहाड़ी इलाका कितना सुंदर लग रहा देखने में, पर भैया रहवे में कतई अच्छा नहीं लगा था। कतई मन लगा था रहवे में, सब चीज मोल रही है, पानी 10 की बोतल 20 की भैया पहाड़न पे घर बने हैं। हमें तो जिन्हें समझ में आ रही है जात कैसे होंगे, रकत भाई जात होंगे, सीढ़ी बनी है सोता मम्मी। भैया सुबह के 9 बजे के बैठे हैं गाड़ी में, तभी हम राजस्थान में आ चुके हैं। पहाड़ देख रहे हो कितने नजदीक से घर बने हैं ऊपर पहाड़न पे। हमें तो जिन्हें समझ में आ रही है चढ़त कैसे होंगे, सब गाड़ी में तो उतर चुके हैं। और भैया बेसन के साथ ना कचौड़ी मिल रही, भैया सब्जी लेवे गए ऐसा कह रहा, बेसन है सब्जी ना मिल रही है। दो होटल पर और देखी मूंग ना सब्जी थी, मैं दार के संग पूरी बताएं यार। राजस्थान का पहनाव भाई कुछ इस तरह से है। ककड़ी यहाँ की देखो कितनी पतली है, सब जने उतर उतर घूम रहा है। कैसी लगेंगी बेसन ककड़ी, कोई खाएगा वरना वहाँ जाए तो देख कर चलो ये राजस्थान के भाई। मैं तो भैया पहाड़ देख कर बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मन में शांति मिल रही है। ये बादाम सेक ना 30 रुपए की मिल रही है यहाँ पे, यहाँ पे ना 10 को 20 को गिलास मिलता है, या 10 की तो कोई सौ ही ना। राजस्थानी लोग हमें तो बड़े भैया पसंद आ रहे हैं, पहनावे ना को आया तो कुत्ता पीछे बच जाएंगे पहनाव को देख के। यहाँ अंदर से रोटी निकाली जा रही, खावे पीवे की व्यवस्था चल रही। भाई साहब लोग बादाम से भाजी ने हाथ बढ़ाया था तुरंत है। तब पेट के चूहे शांत करने के लिए 50 का नोट दे के हम आए पड़ा के खाने। 10 के 5 पड़ा के मिल रहा, चलो पशु तो आत्मा को शांति मिलेगी। बुक्कड़ लोगों को दोना दे दिया गया है, हाथ में तो छूट रहे हैं, इतनी तेज की भूख लगी है। खा लो ये तक बाद बनेंगे। तो भैया मेहंदीपुर बालाजी आ चुके हैं, गाड़ी पार्क हो चुकी है, पहाड़न पर घर बने हैं। और भैया जिनके यहाँ पर घर बने हैं उनकी कितनी मौज है, सच में भैया उनकी बड़ी मौज है।
हर चीज मॉल की मिल रही है। एक दिन को रूम कुछ 400-500 रुपए है, तो हमें तो 4-5 दिन रुकने हैं। बादल हो उठो भाई साहब, यहाँ के मकानात भैया कछु तो अच्छी लग रही है देखने में। और गाड़ी पार्क, हमारी भी गाड़ी पार्क हो चुकी है। पापा भैया और ड्राइवर रूम की व्यवस्था करने गए हैं ताकि बाद हम लोग जंगे। ये सामान ले लो हाथन में, कमरा मिल गया हुआ है तो जा रहा है कमरा पे। बंद रहा निप्पन छील ले गए अल्लाह की। अब जा मैं पैक कर लिए फोन को ऑर्डर रहा हो, फोन वन ने छील ले जाए भैया। कमरा बहुत महंगे हैं, बंदर घूम रहे हैं, रख ले फोन वगैरह। भाई साहब कमरा मिल चुका है, 500 रुपए डे में कमरा मिला है। अब 4-5 दिन तो कम से कम रुकेंगे, यानि जितने पाटन तक तीर्थ यात्रा सब की यात्रा घूमेंगे। अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, शाम होने वाली है। शाम को आरती होगी तो आरती चलेंगे। बैग वैग कुंडन में टेक रहे हैं लला तो भैया, गाड़ी में सोते आ रहा और सोते भी जा रहे हैं। भाजी को देखो आराम से ऊपर पंखा चल रहा है भैया, पर के सुनने आराम से 500 रुपए जा रहे हैं भैया एक दिन के किराए के। बहुत मुश्किल पड़ रही है, कैसे आता 500 रुपए एक दिन के, यूँ करके चले जा रहे हैं। सब पहाड़ देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। कल जाएंगे यहाँ की वीडियो बनाने, अब तो हम 4-5 दिन भाई साहब यहीं रुकेंगे। तो यहाँ के मम्मी पटाखे टेस्ट कर रही हैं, 10 के 4 पटाखे भाई साहब। हम भी खा ले थोड़ा बहुत, उसके बाद देखते कुछ करेंगे। रूम पे से चले आए दर्शन कर आए आके। अब तो उनको दरबार है तो ना वो बंद होगा, शाम को खुल जाएगा 6 बजे आरती होगी तब। कैसे लग रहे हैं पटाखे, ठीक ठाक हैं सही? तो हम खा लेता, उससे पहले चेक करा रहे हमने कि सही होंगे तो ही खाएंगे।